नमस्कार दोस्तों, कंपटीशन कम्युनिटी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने बात किया था जनजातीय गीत के बारे में और आज के वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं जनजातीय नृत्य के बारे में। तो देखिए, जो भी मैंने बाइफर्केशन किया है जनजातियों के नृत्य का, वो जनजातियों के बेस पे किया है कि कौन कौन सी जनजाति कौन कौन सा नृत्य करती है उसके बेस पे किया है। तो देखते हैं, बैगा जनजाति जो है वो कौन सा नृत्य करती है। कर्मा नृत्य करती है, बिल्मा, सैला, परघौनी और दशहरा नृत्य करती है। तो यदि हम कर्मा नृत्य की बात करें तो ये इस छत्तीसगढ़ अंचल की सबसे पुरानी सबसे प्राचीन नृत्य है और ये सिर्फ जनजातीय क्षेत्र में नहीं बल्कि मैदानी क्षेत्र में भी, मतलब कि जो आदिवासी होते हैं और जो गैर आदिवासी होते हैं, सभी के द्वारा ये नृत्य जो है वो किया जाता है। ठीक है, लेकिन ये स्पेशली कौन सी जनजाति के लोग इस नृत्य को करते हैं, तो आइए देखते हैं कि केवल बैगा जनजाति के लोग नहीं बल्कि कोरबा जनजाति, गोंड जनजाति, उराव जनजाति और बिंझवार जनजाति, ये सभी जनजाति के लोग विशेष रूप से क्या करते हैं, कर्मा नृत्य करते हैं। सबसे पहला सवाल कि कर्मा नृत्य कब किया जाता है। तो देखिए, मैंने आप लोगों को बताया था कर्मा पर्व होता है, कर्मा गीत होता है और कर्मा डांस होता है। तो जब कर्मा डांस और कर्मा गीत जब ये दोनों समाहित होते हैं तो क्या होता है, कर्मा पर्व मनाया जाता है। अब ये कब मनाया जाता है, ये जो कर्मा फेस्टिवल है वो विजयादशमी से लेकर वर्षा ऋतु तक मनाया जाता है, लेकिन ये वर्षा ऋतु को नहीं मनाया जाता है। इस प्रकार हम देखें तो पूरे साल की बात करें तो सिर्फ वर्षा ऋतु ही है जब कर्मा नृत्य नहीं किया जाता है, कर्मा त्यौहार नहीं मनाया जाता है, बाकी किसी भी मौसम पर और किसी भी अवसर पर कर्मा नृत्य किया जाता है। ठीक, अब इसका उद्देश्य क्या होता है, तो इसका जो मेन उद्देश्य होता है वो अच्छी फसल की कामना होता है। क्या होता है कि जब वर्षा ऋतु होती है तो जो भी किसान होते हैं या जो भी आदिवासी लोग होते हैं, चूँकि ये जो कर्मा नृत्य है वो क्या होता है, इनके कठोर वन्य जीवन, इनका श्रम और इनकी कृषि संस्कृति पर आधारित होता है। तो वर्षा ऋतु के समय क्या होता है कि ये लोग अपनी धान की बुआई करते हैं, तो उस टाइम पे ये बिज़ी होते हैं। जब ये अपनी धान की बुआई कर लेते हैं उसके बाद क्या करते हैं कि अच्छी फसल की कामना के लिए इनके तरह तरह के फेस्टिवल्स होते हैं, ये डांस करते हैं। तो इसका भी जो मेन उद्देश्य है वो क्या होता है कि अच्छी फसल की कामना होती है। ठीक, अब सवाल उठता है कि कर्मा नृत्य किया कैसे जाता है। तो इस नृत्य को स्त्री और पुरुष दोनों मिलकर करते हैं। सामान्यतः मिनिमम जो रिक्वायरमेंट होती है ग्रुप की वो क्या होता है कि कम से कम 8 पुरुष और 8 स्त्री, ये दोनों मिलकर अर्ध गोलाकार वृत्त में क्या करते हैं, डांस करते हैं। जो पुरुष होता है वो अपने पगड़ी में मयूर के पंख की काड़ी का झालदार कलगी लगाता है, ठीक है, और उसका वो जो सर होता है पूरे मयूर के काड़ी से ऐसे बिल्कुल सजा होता है। जब इन लोग डांस करते हैं, इन लोग जब नृत्य करते हैं तो इसमें जो वाद्य यंत्र होता है वो कौन सा बजाया जाता है, सबसे प्रमुख वाद्य यंत्र जो होता है वो मांदर होता है। मांदर के अलावा इन लोग झांझ, मोरी, मंजीरा, ये सारे वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं। ठीक, कर्मा नृत्य के गीत के पदों में ईश्वर की स्तुति से लेकर श्रृंगार परक सभी प्रकार के पद होते हैं। सभी प्रकार मतलब कि किसी भी भाव को ये प्रकट कर सकता है, ये जो गीत होता है, ये जो डांस होता है वो किसी भी भाव को प्रकट कर सकता है, लेकिन ताल और लय के अनुसार इसमें बहुत सारी क्षेत्रीय भिन्नता पाई जाती है। तो आइए देखते हैं कौन कौन सी क्षेत्रीय भिन्नता होती है। तो ये जो कर्मा नृत्य है इसमें कौन कौन सी क्षेत्रीय भिन्नता पाई जाती है, झूमर, लहकी, ठाढ़ा, लंगड़ा और खेमटा। अब हम समझते हैं ये क्षेत्रीय भिन्नता कैसी होती है। देखिए, डांस करने का जो फॉर्म होता है वो बदल जाता है कि लोग अलग अलग तरीके से डांस करते हैं, और ये तरीका कैसा होता है, जैसे कि झूमर में क्या होता है कि ये लोग जो होते हैं वो झूम झूम कर डांस करते हैं। लहकी की बात करें तो ये लोग लहरा कर डांस करते हैं। ठाढ़ा का मतलब कि वो ठेढ़ा बोलते हैं ना, ठाढ़ा खड़ा हो गया, तो इस प्रकार से ये जो लोग बिल्कुल स्ट्रेट खड़े होकर डांस करते हैं उसे क्या बोलते हैं, ठाढ़ा। लंगड़ा मतलब कि एक पैर झुकाकर जब डांस किया जाता है, एक पैर झुकाकर गीत गाया जाता है और डांस किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं, लंगड़ा कहते हैं। और खेमटा जो होता है, खेमटे का मतलब ये है कि जब पैर को आगे पीछे करके कमर को लचकाकर जब डांस किया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है, खेमटा कहा जाता है। तो इस प्रकार से इसमें क्षेत्रीय भिन्नता पाई जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं हम बिल्मा नृत्य की। तो बिल्मा नृत्य जो है वो कब किया जाता है, विजयादशमी के अवसर पर। क्या होता है, बैगा जनजाति के लोग विजयादशमी के दिन अर्थात कि दशहरे के दिन इन लोग क्या करते हैं कि एक दूसरे के गांव जाते हैं टोली में और नृत्य करते हैं, और इसी नृत्य को क्या कहा जाता है, बिल्मा नृत्य कहा जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सैला नृत्य की। तो सैला का मतलब क्या होता है, सैला का अर्थ होता है डंडा। ठीक,
तो इस नृत्य को कौन करता है? केवल पुरुष करते हैं। कब करते हैं? तो ये दशहरा से लेकर शीत ऋतु, दशहरा से लेकर शीत ऋतु के अवसर तक सैला नृत्य किया जाता है। इसमें क्या होता है कि युवक जो होते हैं वो गोलाकार घेरे में डांस करते हैं। इस नृत्य को 50 से 60 लोग समूह में करते हैं। क्या होता है कि एक नर्तक जो होता है वो दूसरे नर्तक के डंडे पे क्या करता है, डंडे को मारता है, और इस प्रकार सारे डंडे जो होते हैं वो एक साथ टकराते हैं, जैसे कि हम लोग गरबा करते हैं, ठीक है। तो इनका जो डांस होता है उसे क्या कहते हैं, सैला नृत्य कहते हैं। तो जब एक साथ सारे डंडे जो है एक साथ टकराते हैं, तो उस टाइम क्या होता है कि जो मुख्य नर्तक होता है वो कीहो की आवाज़ लगाता है। इस नृत्य में ताल का विशेष महत्व होता है, क्योंकि जो ताल होता है वो किससे उत्पन्न होता है, डंडे से उत्पन्न होता है, इसलिए इस नृत्य को डंडा नाच भी कहा जाता है। इस नृत्य में तीन कैरेक्टर की प्रमुख भूमिका होती है। एक तो जो होता है वो कौन होता है, गाने वाला, दूसरा होता है कीहो की आवाज़ लगाने वाला, और तीसरा होता है वाद्य यंत्र बजाने वाला। इस नृत्य में जो वाद्य यंत्र बजाया जाता है वो स्पेशली मांदर बजाया जाता है। मांदर की ताल पर डंडे की जो मार होती है उससे ये नृत्य जो होता है वो किया जाता है। इस नृत्य में भी क्या होता है, क्षेत्रीय भिन्नता पाई जाती है, और ये क्षेत्रीय भिन्नता कौन कौन सी है मैं यहाँ लिख देती हूँ। एक तो बैठकी होता है, दूसरा आरती होता है, तीसरा शिकारी सैला होता है, और चौथा होता है दाढ़ी सैला, ठीक है। तो इस प्रकार की इसमें क्षेत्रीय भिन्नता पाई जाती है। देखो, चूंकि ये जो नृत्य होता है वो डंडा से किया जाता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, सैला नृत्य कहते हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में कौन निवास करता है, बैगा जनजाति के लोग निवास करते हैं, और मैदानी क्षेत्रों में कौन निवास करता है, गोंड जनजाति के लोग निवास करते हैं। तो यही जो नृत्य है ये दोनों जनजाति के लोग करते हैं, लेकिन जब ये बैगा जनजाति के लोग करते हैं, अर्थात जब ये पहाड़ी क्षेत्र में ये डांस होता है तो उसे क्या कहते हैं, सैला नृत्य कहते हैं, और जब ये मैदानी क्षेत्र में होता है तो इसे क्या कहते हैं, डंडा नृत्य कहते हैं। तो इस प्रकार से आपने ये भी जाना कि गोंड जनजाति के लोग कौन सा नृत्य करते हैं, डंडा नृत्य करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं परघौनी नृत्य की। तो देखिए, इसके नाम से ही समझ में आ रहा है कि कुछ परघनी जैसा, ठीक है। तो विवाह के अवसर पर जब परघनी होता है, मतलब कि जब बारात का स्वागत किया जाता है, तो उस अवसर पर कौन सा नृत्य करते हैं, परघौनी नृत्य किया जाता है, ठीक है। इसका जो मुख्य वाद्य यंत्र होता है वो कौन सा होता है, नगाड़ा होता है, और क्या होता है, टिमकी होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं दशहरा नृत्य की। नाम से ही समझ में आ रहा है कि इस नृत्य को दशहरे के अवसर पर किया जाता है। जो सैला नृत्य होता है और जो दशहरा नृत्य होता है, इन दोनों नृत्यों में क्या होती है, समानता पाई जाती है। सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि इस नृत्य को सभी नृत्यों का क्या कहा जाता है, द्वार कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बाकी नृत्यों का, सभी नृत्यों का द्वार कहा जाता है। किसको, दशहरा नृत्य को, सभी नृत्यों का द्वार। आगे हम बात करते हैं कोरवा जनजाति के द्वारा किया जाने वाला नृत्य। तो ये कौन सा नृत्य करते हैं, दमनच नृत्य करते हैं। दमनच नृत्य जो है वो कोरवा जनजाति के द्वारा विवाह के अवसर पर स्त्री एवं पुरुष दोनों के द्वारा किया जाता है। जो कर्मा नृत्य होता है और जो दमनच नृत्य होता है, इन दोनों नृत्यों में क्या होती है, समानता पाई जाती है। ऐसा कहा जाता है कि जितनी भी जनजातियों के नृत्य है, उस नृत्यों में सबसे ज़्यादा भयावह जो होता है वो कौन सा नृत्य होता है, कोरवा जनजाति के द्वारा किया जाने वाला दमनच नृत्य होता है। भयावह का मतलब क्या होता है, भयावह का मतलब कि इनका जो एलर्जी लेवल होता है वो क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा होता है, ठीक। नेक्स्ट हम बात करते हैं गोंड जनजाति के नृत्यों की। तो देखिए, यहाँ पर मैंने बाइफर्केशन किया है जनजातियों के बेस पे। तो गोंड जनजाति की जो उपजातियाँ हैं वो कौन कौन सी है, मुरिया है, दंडामी मारिया है, और दोरला है। तो इनके द्वारा जो नृत्य किया जाता है वो मैंने कहाँ लिखा है, नीचे लिखा हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि गोंड जनजाति के द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है, और उसके बाद हम बात करेंगे कि इनकी जो उपजातियाँ हैं उनके द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फाग नृत्य की। तो ये जो फाग नृत्य है ये गोंड जनजाति के द्वारा किया जाता है, बैगा जनजाति के द्वारा भी किया जाता है। कब किया जाता है, देखिए फाग का मतलब क्या होता है, फागुन। फागुन में कौन सा फेस्टिवल मनाया जाता है, होली का त्यौहार मनाया जाता है। तो सीधी सी बात है, ये शब्द कहाँ से रिलेट कर रहा है, होली से। तो होली के अवसर पर जो जंगली जानवर होते हैं उनका मुखौटा लगाकर ये नृत्य किया जाता है, और इसका जो मुख्य वाद्य यंत्र होता है वो कौन सा होता है, मांदर होता है और टिमकी होता है, ठीक। अब हम बात करते हैं मुरिया जनजाति के नृत्यों की।
तो देखिए, मुरिया जनजाति के द्वारा ककसार, एबालतोड़, हुल्की पाटा, मांदरी, गेड़ी और घोटुल पाटा नृत्य किया जाता है। तो आइए लाइन से देखते हैं ये सारी नृत्य की विशेषता क्या होती है, किस अवसर पर किया जाता है और इसका उद्देश्य क्या होता है। ककसार नृत्य, ये जो ककसार नृत्य है ये मुरिया जनजाति के लोगों के द्वारा किया जाता है। कब किया जाता है? तो ये वर्ष में एक बार। कब होता है? वर्ष में सिर्फ एक बार। क्या होता है कि इनके जो घोटुल के प्रमुख देवता है लिंगोपेन, उनको प्रसन्न करने के लिए ये नृत्य किया जाता है। ये घोटुल का पूजा नृत्य होता है। तो चूंकि ये पूजा नृत्य होता है तो गांव के किसी धार्मिक स्थल पर ये नृत्य किया जाता है। और ये इससे क्या करते हैं, अपने जो आराध्य देव हैं घोटुल के लिंगोपेन, उनको प्रसन्न करते हैं। इसमें क्या होता है कि जो पुरुष होते हैं वो अपने कमर में घंटी लगाते हैं और जो स्त्रियाँ होती है वो फूलों से सजी हुई पूरी माला पहनती है। इस नृत्य को मुरिया नृत्य भी कहा जाता है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि यदि कभी आपसे सवाल पूछे CGPSC में कि ऐसा कौन सा नृत्य है, इनमें से कौन सा नृत्य है जिसे मुरिया नृत्य भी कहा जाता है, तो उसका सही आंसर क्या होगा? ककसार नृत्य। नेक्स्ट हम बात करते हैं एबालतोड़ नृत्य। तो देखिए, ये जो नृत्य है ये मड़ई महोत्सव के दौरान किया जाता है। जो मड़ई महोत्सव के जो देवता होते हैं अंगादेव जो होते हैं वो कास्ट के बने होते हैं, और ये जो इनके मड़ई के देवता होते हैं उनको प्रसन्न करने के लिए, उनकी स्तुति करने के लिए कौन सा नृत्य किया जाता है? एबालतोड़ नृत्य किया जाता है। अब हम बात करते हैं हुल्की पाटा नृत्य की। तो ये जो नृत्य है ये किसी भी अवसर पर स्त्री एवं पुरुष दोनों के द्वारा किया जाता है। सामान्यतः ये विवाह और मेले के अवसर पर किया जाता है। ये जो नृत्य होता है इसका जो प्रशिक्षण है वो कहाँ दिया जाता है? घोटुल में दिया जाता है। इस नृत्य में जो गीत गाया जाता है वो विशेष आकर्षण का होता है, क्योंकि जो गीत होता है वो क्या होता है, सवाल जवाब की शैली में होता है। ठीक है, तो क्या क्या जाना हमने हुल्की पाटा के बारे में, कि ये किसी भी अवसर पर किया जाता है, इसका जो प्रशिक्षण है वो कहाँ दिया जाता है? घोटुल में दिया जाता है, सवाल जवाब की शैली में गीत होते हैं, और इस नृत्य को करने के लिए कोई भी समय सीमा निर्धारित नहीं किया गया। ये नृत्य जो होता है वो 1 घंटे का भी हो सकता है, 2 घंटे का भी हो सकता है, 3 घंटे का भी हो सकता है, कितने भी समय का हो सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मांदरी नृत्य की। तो जो मांदरी नृत्य है वो मुरिया जनजाति का, या फिर कह सकते हैं घोटुल का क्या होता है, ये प्रमुख नृत्य होता है। इस नृत्य में केवल पुरुष भाग लेते हैं, कहीं कहीं अन्य विधाओं पे स्त्रियां भी चिटकुल बजाते हुए भाग लेती है। मांदरी करताल पर इस नृत्य को किया जाता है और इसमें गीत नहीं बजाया जाता है। इस नृत्य में क्या होता है कि जो एक नर्तक होता है वो पूरे नृत्य का नेतृत्व करता है, और जो इस नृत्य में भाग लेने वाला व्यक्ति होता है वो हर व्यक्ति कम से कम वो एक थाप के संयोजन को प्रस्तुत करता है, और थापों के संयोजन पर चिटकुल बजाया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं गेड़ी डांस की। तो गेड़ी नृत्य के बारे में आप लोगों ने सुना होगा कि हरेली के फेस्टिवल में भी गेड़ी डांस किया जाता है। ये जो नृत्य है वो गोड जनजाति के द्वारा भी किया जाता है और मुरिया जनजाति के द्वारा भी किया जाता है। क्या होता है इस नृत्य में क्या होता है कि जो लकड़ी की गेड़ी होती है उसमें चढ़कर बहुत ही तीव्र गति से डांस किया जाता है। इससे क्या शो होता है? इससे ये पता चलता है कि जो भी नर्तक होते हैं उनका जो शारीरिक कुशलता और उसका जो संतुलन होता है वो कैसा है। ठीक है, तो उसे प्रस्तुत करने के लिए इस डांस को किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं घोटुल पाटा नृत्य की। तो घोटुल पाटा जो होता है वो गीत होता है, जो कि कब गाया जाता है? मृत्यु के अवसर पर गाया जाता है, और उसी अवसर पर नृत्य भी किया जाता है, जिसे क्या कहते हैं? घोटुल पाटा नृत्य कहते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं दंडामी माड़िया जनजाति के नृत्य के बारे में। तो दंडामी माड़िया कहाँ निवास करती है? मैदानी क्षेत्रों में निवास करती है, और इनके द्वारा जो नृत्य किया जाता है उसे क्या कहते हैं? गौर नृत्य कहते हैं। कब किया जाता है ये नृत्य? तो जात्रा पर्व के दौरान। जात्रा पर्व मतलब कि देवी की पूजा होती है, रात भर जागरण होता है, तो जो जात्रा फेस्टिवल होता है उसके दौरान क्या होता है, इस नृत्य को स्त्री एवं पुरुषों दोनों के द्वारा किया जाता है। जो पुरुष होते हैं वो अपने सर पे जंगली भैंस का जो सिंह होता है उसे कौड़ियों से सजाकर पहनते हैं, और जो महिलाएं होती है वो हाथ में छड़ी लेकर इस डांस को करती है। इस डांस से इन लोग क्या शो करते हैं? तो इस डांस से इन लोग जो जंगली भैंसा होता है उसके शिकार का नृत्य के रूप में प्रदर्शन करते हैं। चूंकि इन लोग कौन सा नृत्य करते हैं? गौर नृत्य करते हैं, इसलिए इस जनजाति को क्या कहा जाता है? गौर माड़िया भी कहा जाता है। और इस नृत्य को क्या कहा जाता है? बाइसन हार नृत्य कहा जाता है। क्या कहता है? बाइसन हार नृत्य डांस कहा जाता है। जब वेरियल एल्विन यहाँ आए थे और जब उन्होंने इस डांस को देखा तो उन्होंने इस डांस को विश्व का सुंदरतम नृत्य कहा था। उन्होंने इस पर एक किताब भी लिखी है जिसका नाम क्या है? द गौर।
नेक्स्ट हम बात करते हैं दोरला जनजाति के द्वारा जो नृत्य किया जाता है उसकी। तो दोरला जनजाति के द्वारा पेंडू नृत्य किया जाता है और दोरला नृत्य किया जाता है। जो पेंडू नृत्य है वो कब किया जाता है? विवाह के अवसर पर किया जाता है। और जो दोरला नृत्य है वो किसी भी फेस्टिवल, किसी भी त्यौहार के अवसर पर किया जाता है। इसका जो प्रमुख वाद्य यंत्र होता है वो क्या होता है? ढोलक होता है। ठीक दोस्तों, आज के वीडियो में हम बस इतने ही नृत्य को डिस्कस करेंगे। जो हमारा अगला वीडियो होगा जनजातीय नृत्य का जो सेकेंड पार्ट होगा, उसमें हम बाकी नृत्य के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा, ताकि हम जब नेक्स्ट वीडियो पे जाएं तो ये अपने ध्यान में रहना चाहिए कि हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा। तो देखिए, सबसे पहले हम बात किए बैगा जनजाति के बारे में। बैगा जनजाति के द्वारा कौन कौन सा नृत्य किया जाता है? कर्मा, बिल्मा, सैला, परघौनी और दशहरा। इनके नाम से ही समझ में आ रहा है कि ये जो नृत्य है ये किस पे बेस्ड है या कब मनाया जाता है। जैसे कि कर्मा नृत्य जो होता है वो कर्म प्रधान होता है, बिल्मा नृत्य जो होता है वो विजयादशमी के टाइम किया जाता है। ठीक है, सैला नृत्य जो होता है, सैला का मतलब होता है डंडा, डंडे के द्वारा नृत्य किया जाता है विजयादशमी से लेकर शीत ऋतु तक। परघौनी की बात करें तो परघौनी नृत्य जो होता है वो परघनी के अवसर पर, मतलब कि विवाह के अवसर पर किया जाता है, जब दूल्हा जो होता है बारात लेकर आता है उस अवसर पर इस डांस को किया जाता है। दशहरा जो होता है वो दशहरे के अवसर पर इस नृत्य को किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कोरवा जनजाति की दमनस नृत्य की। तो इस नृत्य को क्या कहा जाता है? जनजातियों की जितनी भी नृत्य है उसमें सबसे भयावह नृत्य कहा जाता है। कब किया जाता है? तो विवाह के अवसर पर किया जाता है। अगला हम बात किए थे गोंड जनजाति की, जो कि कौन सा नृत्य करते हैं? फाग नृत्य करते हैं। फाग मतलब कि फागुन, फागुन मतलब होली। होली के अवसर पर डंडे से किया जाने वाला जो नृत्य होता है उसे क्या कहते हैं? फाग नृत्य कहते हैं। इसमें क्या करते हैं? जो पुरुष होते हैं वो जंगली जानवर का क्या करते हैं? मुखौटा लगाते हैं। नेक्स्ट हमने बात किया था मुरिया जनजाति, डंडामी माड़िया और दोला। मुरिया जनजाति का जो पूजा नृत्य होता है वो क्या होता है? ककसार होता है। मड़ई के अवसर पर जो नृत्य किया जाता है उसे इबाल तोड़ कहते हैं। फुल्की पाटा जो होता है वो किसी भी अवसर पर किया जाता है, और इसका जो प्रशिक्षण है वहाँ वो कहाँ दिया जाता है? घोटुल में दिया जाता है। मांदरी नृत्य की बात करें तो ये मेन डांस ऑफ घोटुल है, मतलब कि घोटुल का प्रमुख नृत्य है। गेड़ी जो होता है वो जो लकड़ी की गेड़ी होती है उसमें चढ़कर डांस किया जाता है। जो घोटुल पाटा होता है वो मृत्यु के अवसर पर किया जाता है। गौड़ नृत्य के बारे में मैंने क्या बताया था? यात्रा पर्व के दौरान गौड़ डांस को करते हैं। इसकी जो विशेषता होती है वो क्या होती है कि जो पुरुष होते हैं वो जंगली भैंसे का सिंग लगाकर, जो भी जंगली भैंसा होता है उसके शिकार के नृत्य का प्रस्तुतिकरण करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमने बात किया था दोरला जनजाति की। तो इनके द्वारा पेंडुल और दोरला नृत्य किया जाता है। पेंडुल नृत्य जो होता है वो विवाह के अवसर पर किया जाता है, और जो दोरला होता है वो त्यौहार के अवसर पर किया जाता है। ठीक है, तो आज के वीडियो लेक्चर पे हमने बैगा, कोरवा, गोंड, मुरिया, डंडामी माड़िया और दोरला जनजाति के द्वारा जो भी नृत्य किया जाता है उसके बारे में हम लोगों ने बात कर लिया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे उराव जनजाति, कंवर, भारिया, कोरकू और अन्य जनजातियों के द्वारा कौन कौन सा नृत्य किया जाता है उसके बारे में। धन्यवाद। CGPSC की संपूर्ण तैयारी के लिए कॉम्पिटिशन कम्युनिटी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और डेली अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।